हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ील्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चार चीज़ें जिसमें है वो खालिस पक्का मुनाफिक होता है, और जिसमें इनमें से कोई एक भी हो तो उसमें निफाक की आदत है या फिर वो उसे छोड़ दे। पहला ये कि जब वो वादा करे तो वादा खिलाफी करे, दूसरा ये जब कहे तो झूठ कहे, तीसरा ये जब उस पर अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे, चौथा ये कि जब झगड़े तो बेहुदा बकवास करे। तो देखिए इस हदीस में यही बताया गया है कि जिसके अंदर ये चारों निशानियाँ होंगी वो निफाक की, उसे निफाक की आदत होगी या फिर वो मुनाफिक होगा, या इनमें से अगर एक भी आदत होगी तो उसे निफाक की आदत होगी। तो इसके फ़ायदे में देखिए ये भी लिखा हुआ है कि इस निफाक जो है दो तरीके का होता है, दो किस्मों का, एक तो ईमान और अकीदे का निफाक और दूसरा सीरत का निफाक। तो ईमान और अकीदे का निफाक जो है वो तो वही के ज़रिए ही पता चल सकता है, ठीक है, लेकिन आदत और सीरत का जो निफाक है उसमें वो इस तरीके से पता चल सकता है कि अगर किसी के अंदर एक भी इन चारों में से एक भी निशानी है तो समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर निफाक शुरू हो गया या निफाक की आदत आ गई। उसे चाहिए कि वो ईमान के ऊपर मेहनत करे, ईमान बनाए अपना, और इन चीज़ों से बचे जिसमें अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसके अंदर ये चार आदतें होंगी वो निफाक, उसे निफाक की आदत होगी। और चारों आदतें क्या बताएं कि भाई जब वो बोले तो झूठ बोले। तो आप खुद देख सकते हैं कि आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि मुसलमान बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा है, बहुत ज़्यादा धोखा दे रहा है, बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा है ना। तो हमें इन चीज़ से बचना है भाई, कि अल्लाह के नबी ने नहीं सिखाया ना इस्लाम ने सिखाया कि हमें झूठ बोलना है, हमें तो सच का साथ देना है, सच के साथ रहना है और सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, पाक दामन के साथ रहना है हमें, अपनों के साथ भी गैरों के साथ भी। और दूसरा क्या बताया, जब उसके पास कोई अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत ना करे। देखिए अमानत में कुछ भी हो सकता है, कि कोई इंपॉर्टेंट बात हो सकती है या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, पैसा हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, या फिर किसी ने कोई अपनी कोई पर्सनल बात शेयर करी है वो भी अमानत हो सकती है, तो उसमें खयानत ना करे। और खयानत क्या है कि उसने कुछ पैसा रखवाया तो आपने उसको यूटिलाइज कर लिया, उसको यूज़ कर लिया, उसने आपको कोई बात बताई तो आपने किसी और को बता दी, तो वो सब देखे खयानत में आता है, हमें इन चीज़ों को नहीं करना है। और उसके बाद क्या बताया, अगर झगड़े तो बेहुदा बकवास करे। इसका मतलब यह है कि देखिए लड़ाई किस में नहीं होती है, सब में होती है, तू मैं भी होती है, बहुत सारी बातें होती हैं, है ना, लेकिन क्या है हमें इन बेहुदा बकवास से बचना है। मतलब हमें ये नहीं कि जैसे ही गुस्से में आ गए या फिर लड़ाई हो रही है तो हम तो कुछ भी बोले जा रहे, एक्स्ट्रा बोले जा रहे, बेहुदा बकवास करते जा रहे, ऐसा नहीं करना भाई। और उसके बाद क्या बताया, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। अब किसी से हमने वादा किया है कि मैं फला टाइम पे पहुंचूंगा या फिर फला चीज़ तुम्हें दूंगा इंशाल्लाह, या फिर कुछ भी वादा हो सकता है, वो किसी भी तरीके का कोई कसम है या कोई वादा है, तो हम वादा खिलाफी ना करें, उसको पूरा करें इंशाल्लाह, अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद रखें इसे इंशाल्लाह पूरा करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे देखिए क्या होता है, आपके ईमान का पता चलता है, आपकी इंसानियत का पता चलता है कि आप कितने खड़े उतरे अपनी बात पे। तो मुसलमान को चाहिए कि वो जो बोले, जो कहे, तो वो उसको इंशाअल्लाह पूरा करे।